जनपद बांदा के मंडल कारागार का देर रात जिलाधिकारी अनुराग सिंह पटेल और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने भारी पुलिस बल के साथ मंडल कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में देर रात आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जेल अधिकारियों और कैदियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, यह पूरा मामला बांदा जनपद के मंडल कारागार से सामने आया है, जहां पर पूर्वांचल का डॉन बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी भी बंद है। अचानक देर रात डीएम एसपीएसओजी टीम के साथ भारी पुलिस बल के साथ जेल के अंदर दाखिल हुए और जेल का लगभग आधे घंटे तक निरीक्षण किया। बताते चले कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के बैरिक के साथ साथ मुख्तार अंसारी के आसपास की सभी बैरिक में एसओजी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने लगभग आधे घंटे तक तलाशी ली, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस को कोई संदिग्ध सामान जेल से नहीं मिला है। आइए सुने क्या कहा सीओ सिटी बांदा राकेश कुमार सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जून 2022 को जनपद कारागार बांदा की आकस्मिक चेकिंग जिलाधिकारी बांदा व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रात्रि करीब 9 बजे से प्रारंभ की गई। यह चेकिंग करीब आधे घंटे तक चली। यह रूटीन चेकिंग थी, जिसमें जेल में बंदी मुख्तार अंसारी की गतिविधियों के बारे में भी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। कहीं कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं पाई गई।